तैयारी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जैसा कि आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए कि हमारे ऊपर, हम 85% आबादी के ऊपर, दलित आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और हमें रणनीति बनानी है कि इन अत्याचारों को हम कैसे खत्म करें। तो इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि ये जो पीछे बैनर है, इस पे ऊपर महापुरुष हैं। बहुत जरूरी है कि उन महापुरुषों ने हमारे लिए क्या रणनीति बनाई थी। अगर हम वो रणनीति समझ जाएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे तो हम जरूर सफलता पा सकते हैं। बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों के बीच जो संघर्ष छेड़ा था, हमें उसको जानना चाहिए। उसको जानकर हम भारत की सरकार से बात कर पाएंगे कि आखिर अब तक हमारे ऊपर, हम आदिवासी भाइयों के ऊपर क्यों अत्याचार होते हैं। 85% आबादी है जो ज्यादातर सीग्रेड और डीग्रेड की जॉब पर है या फिर बेरोजगार है। बाकी जो आबादी है 15% वो ए ग्रेड जॉब पर है और सारा सिस्टम उनके हिसाब से चलता है। हमें आंकड़े निकालने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर वो आरक्षण पर बात करते हैं और आज के टाइम पे हम लोगों को इस चीज को लेकर बहकाते हैं कि आरक्षण की अब आपको जरूरत नहीं है, तो हमें उनको समझाना चाहिए कि आरक्षण की जरूरत क्यों नहीं है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमारा एक भाई है जो, अगर आप आरक्षण की बात करते हो तो शुरू से करो कि हमारे एक भाई ने अगर एक दुकान खोली और वहाँ एक पंडित जी आ गए, उन्होंने दुकान खोली, हमारे भाई की दुकान बंद हो गई। एक गरीबी वो होती है जो आलस के कारण होती है, एक गरीबी वो होती है जो किसी को काम करने को नहीं मिला इसलिए वो गरीब है। हम वो लोग हैं जिन्होंने करना हमेशा से चाहा पर हमें करने के लिए नहीं मिला, इसलिए हम जो है कहीं ना कहीं पीछे हैं उन लोगों से, क्योंकि उन्होंने हमें काम ही नहीं करने दिया। तो हमारी रणनीति में एक बात ये होनी चाहिए कि हम उनको अच्छे से आरक्षण के बारे में समझाएं, और आरक्षण हमें हमेशा मिलते रहना चाहिए जब तक कि हम उनके बराबर ना आ जाए। सरकारी पदों पे हम लोग उनके बराबर ना आ जाए जब तक कि आरक्षण जब तक चलना चाहिए और आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। हमारी रणनीति में आरक्षण को लेकर एक बहुत जरूरी बात होनी चाहिए, आरक्षण मुख्य मुद्दा है इस बात का कि हम उन लोगों को और अपने लोगों को समझें आरक्षण क्या है। और अगर रणनीति की बात है कि हम कैसे अपना विकास कर सकते हैं और सरकार से बात कर सकते हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को बहुत सारे रास्ते बताए। अगर वो लोग हमें काम नहीं करने देंगे तो वो हमें बिजनेस करने से तो नहीं रोक सकते ना। हमें अपने छोटे छोटे बिजनेस करने चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति से मजबूत होना बहुत जरूरी है। किसी भी संघर्ष में आर्थिक लड़ाई बहुत जरूरी होती है। जब हमारी आर्थिक लड़ाई अगर हम जीत जाएंगे तो हम हमारी रणनीति में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।